आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों फिर से एक जातिवादी महिला की कहानी लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। हाँ दोस्तों, ये फिल्म एक्ट्रेस युविका चौधरी, एक्ट्रेस मॉडल और एक यूट्यूब पे व्लॉगर युविका चौधरी की कहानी है। कहानी इतनी बदतर है, बेकार है कि इसे सुनने के बाद और वो वीडियो देखने के बाद आप उसके मुंह पे क्या कहोगे मुझे नहीं पता, और आपके मन में कौन सी गाली आएगी मुझे नहीं पता भाइयों, लेकिन आनी भी चाहिए क्योंकि एक समाज के प्रति इतनी नफरत इन लोगों में भर के रखी हुई है। क्योंकि ये स्वर्ण समाज के बच्चे बचपन से जब पैदा होते हैं और बड़े होते हैं तो इनके अंदर एक मानसिकता कूट कूट कर भर दी जाती है कि जो SC ST के लोग होते हैं आरक्षण खोर होते हैं, ये नीच जाति के होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, ये लोग अनपढ़ गवार होते हैं, ये लोग केवल कचरा साफ करने वाले होते हैं। ये स्वर्ण जातियों के बच्चों के अंदर, मन के अंदर, दिमाग के अंदर बचपन से कूट कूट के भर दिया जाता है। और जो हमारे समाज की जातियां होती है, जो SC कैटेगरी की जातियां होती है, उसे गाली के रूप में यूज किया जाता है, चमार, भंगी, मांग, ढोंग, गवार ऐसे बोला जाता है। तो गाइज, युविका चौधरी अपना यूट्यूब चैनल युविका चौधरी के लिए एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी और उसमें वो कहती है कि मैं आप लोगों के सामने यूं ही भंगी की तरह आ जाती हूं क्योंकि मुझे सजने सवरने का और लिपा पोती करने का टाइम नहीं मिलता अपने थोबड़े के ऊपर। तो गाइज, इस प्रकार से जातिवाद को लेकर मैं आपके सामने हमेशा आते रहता हूँ। और एक घटना और पहले बता चुका हूँ, मुनमुन दत्ता को लेकर, जो कि तारक मेहता फेम बबीता है, उनको लेकर उनके ऊपर भी बहुत सारी FIR हुई, उनको अरेस्ट करने की मांग की गई। और अब युविका चौधरी को भी सोशल मीडिया के ऊपर केवल बहुजन समाज के लोग ही, क्योंकि जातिवादी मानसिकता से, मनोवादी मानसिकता से पीड़ित लोग है, वो अभी भी युविका चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कई सारे ट्विटर ट्रेंड देखा जिसमें लोग युविका चौधरी जो है, जिसने जातिवादी टिप्पणी करी है, भंगियों को गंदा बोला है, भंगियों की तरह दिखना ना चाहने की बात करी है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं जातिवादी मानसिकता के लोग, क्योंकि वो उनकी जाति से मेल खाती है, उनकी विचारधारा से मेल खाती है ये सारी बातें। ट्विटर पर कई लोग लिख रहे हैं कि SC ST वालों को रिजर्वेशन मिल जाता है, ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, फोकट में 0 नंबर लेके ये कर लेते वो कर लेते, ये सब फालतू की बातें ट्विटर पर करी जा रही है। लेकिन बहुजन समाज के लोग, ये हमारे भाई बहन लोग ही हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं और युविका चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और दोस्तों, आप भी युविका चौधरी की गिरफ्तारी की मांग कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। बाकी इस जातिवादी युविका चौधरी ने क्या बोला है ये वीडियो देखिए। ये देखिए, हमेशा व्लॉग जब भी मैं बनाती हूँ, मैं क्यों हमेशा भंगियों की तरह खड़ी हो जाती हूँ आके, मुझे इतना टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं अपने आप को ढंग से दिखा सकूं। आई एम डूइंग सो बैड एंड ही इज नॉट गिविंग मी टाइम टू मेक व्लॉग। गाइस, ये आपने 15 मिनट की क्लिप देखी जिसमें वो कह रही है कि मैं आपके सामने ऐसी भंगियों की तरह आ जाती हूँ, मुझे मेकअप करने का टाइम नहीं मिलता। यानी कि जो व्यक्ति मेकअप नहीं करता, जो व्यक्ति सिंगार नहीं करता, वो भंगियों की तरह दिखता है। यानी कि मैडम का जातिवादी युविका चौधरी का कहना है कि जो व्यक्ति गंदा दिखे, जो व्यक्ति काला दिखे, अगर उसकी शक्ल अच्छी ना हो तो वो भंगी है, ऐसा वो कहना चाहती है, उनके शब्दों से ऐसा जाहिर होता है। और लिपा पोती करने के बाद, क्रीम पाउडर लगाने के बाद इंसान अच्छा सवर्ण दिखने लग जाता है, ऐसा वो कह रही है। बाकी वो भी अपने आप को है ना, जब तैयार नहीं होती तो भंगी ही समझती है। तो दोस्तों, एक ऐसी जाति को टारगेट क्यों किया जाता है? एक तो भंगी शब्द को ऐसा बना दिया गया है कि जिससे ऐसा लगता है कि जो लोग गंदे होते हैं, जो लोग गटर में उतरते हैं या फिर जो लोग बहुत गंदे दिखते हैं, उन्हें भंगी कहा जाता है। बल्कि ये सब कुछ गलत है। भंगी उसे कहा जाता है जो किसी भी चीज को भंग करता था, यानी कि जो पुराणों को, जो यज्ञों को, जो ब्राह्मणों के पाखंड थे, उन सब चीज को भंग करने वाला व्यक्ति था, उसे भंगी कहा गया है। वही असली मायने में भंगी है। मैं भी भंगी हूँ, आप भी भंगी है। अगर आप ब्राह्मणवाद को तोड़ते हो, ब्राह्मणवाद के पाखंड को तोड़ते हो, उसे भंग करते हो, जो भी ब्राह्मणवाद को नहीं मानता वो हर व्यक्ति भंगी है। तो आप ये नीचे ये भी लिख सकते हो कि मैं भंगी हूँ और आप भी भंगी हो, क्योंकि हम लोग सब चीज को, इनके ब्राह्मणों के तंत्रों को, मनोवाद को, जातिवाद को भंग करते हैं, इसलिए हम लोग भंगी है। और इसी चीज से इन लोग को नफरत है। बाकी मुझे पता है ये लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं है, 10वीं 12वीं फेल होते हैं, ज्यादा जानकारी होती नहीं है। ये जो बचपन से सुनते हुए आए हैं अपने माँ बाप, अपने चाचा बाबा या अपने घर वालों से, वही चीज लोग बोलते हैं। अक्सर इन लोगों को इन चीजों का मतलब भी नहीं मालूम होता है। इनको इतना पता है, अगर मैं गंदा दिख रहा हूँ, मैं नहाया धोया नहीं हूँ, तो मैं भंगी हूँ, इतना ये लोग जानते हो। बाकी आप लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो कि युविका चौधरी की गिरफ्तारी हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हो। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। देखते रहिए भारत दस्तक।